Hello students, basically we are meeting once again at 7 p.m. again with another session, but this session is basically only designed for your SBI classes, जहाँ पे आप सारे लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो to get a brief understanding of how to approach match the columns. So this is one section जहाँ पे हमें सच में सर पैर समझ में नहीं आता, नहीं समझ आता कि किस तरीके से questions को approach करें, किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करें और किस तरीके से मैच द कॉलम्स को करना सही है. सो बेसिकली आई ऑलरेडी हैव स्टूडेंट्स कनेक्टिंग विद मी, बी मिस्टर कंसिस्टेंट भूमि, थैंक यू टीम ग्रेडअप फॉर प्रमोटिंग सो मच. देयर इज पल्लवी, देयर इज नागेश त्रिपाठी. जैसे जैसे आप जुड़ते जा रहे हो, सारे लोग इस सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए ताकि ये सेशन ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो पाए. प्रेम शंकर यादव जी भी आ चुके हैं. अभय श्रीवास्तव इज हियर. गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. कैसा चल रहा है क्वारंटाइन जरूर बताना. मैं सबसे आजकल यही क्वेश्चन पूछती हूँ. निशित इज हियर, मिस्टर कंसिस्टेंट राजेश पॉल. जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है. मयंक जैन, अमित, अब देखो अजय सब आने लगे हैं. अजय थॉमस इज हियर, सुतापा इज हियर. अच्छा, देयर इज एन इशू विद द नोटिफिकेशन सेक्शन, राइट. आप लोग सारे लोग कह रहे थे कि मैम इन क्लासेस के नोटिफिकेशन हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं. जस्ट सी वन थिंग, जस्ट चेक वन थिंग, जहां पे आप लोगों ने बेल आइकन पे सब्सक्राइब किया होगा, देखो वहां पे एक बेल आइकन है, ठीक है. जो बेल आइकन है उस पे आप लोगों ने जहां पे सब्सक्राइब किया होगा, सब्सक्राइब में वहां पे तीन ऑप्शन हो रहे होंगे, ऑल, कस्टमाइज, नन, ठीक है. तो सब्सक्राइब एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके वहां पे ऑल पे प्रेस करना, क्योंकि जब आप नॉर्मली कर रहे हो तो वो कस्टमाइज हो जा रहा है, ठीक है. वो कस्टमाइज मत करिएगा. जैसे आप ऑल करोगे आपको मेरी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेगी. और आप सभी लोगों को बता देते हैं, अब से हमने 7 बजे क्या स्टार्ट कर दिया है एडिटोरियल. The most awaited session is also back with everything, चाहे वो आपका vocabulary हो, idioms and phrases हो, reading comprehension हो, सारी चीजों के notifications आप लोगों को अब update हो जाएंगे, ठीक है. Okay, Preeti Joshi is here. Hi Preeti, Abhay, hello, hello, all going well, right? Lakshmi is here, Om 2.0 is here, Taskeen, Sudapa, thank you so much, PK Meghwansi, Taskeen, Javed. चलो अब जैसे जैसे सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हो, अब हम आप लोगों के साथ क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे. सेशन आज का मॉडरेट लेवल का रखा गया है ताकि आप लोग क्वेश्चंस को आज सिर्फ रिलेट करना सीखो. आप लोगों को अराउंड 30 से 40 सेकंड्स का टाइमर दिया जाएगा या 30 टू 40 सेकंड्स का एक पॉज मिलेगा जहां पे आप क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो. समझ में आया? ओके, चलो. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अमिलन, गुड इवनिंग अमित. चलो सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले द इनिशिएटिव इज स्टिल गोइंग ऑन. ग्रेडअप इज हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड द टेक्निक टू वॉश हैंड्स, बट सुनने में बहुत सिली है. बट एक्चुअली अगर बात करें तो ये सेशन आप सबके लिए, ये एक वन चीज है जिसपे अब हमें ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, एंड दैट इज प्योरली हाइजीन. सो प्लीज अगर आप किसी तक ये स्क्रीनशॉट भी पहुंचाना चाहते हो, आप इसको पहुंचा सकते हो. Apart from that, there is also a helpline number for the novel coronavirus. अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, आपको लगता है जिन्हें इस नंबर से किसी भी तरीके की हेल्प मिल सकती है, प्लीज उन्हें इस नंबर से अवेयर कराइए ताकि वो लोग अपने आप को सेफ रख सके. मयंक जान, की बात बिल्कुल नया सा ही है, आपको सारे अप्रोचेस स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, ठीक है. चलिए, रक्षित ने भी टीम ग्रेडअप का हालचाल ले लिया है और टीम ग्रेडअप ने आप सबका हालचाल ले लिया है. तो चलिए भैया सेशन की शुरुआत कर दी जाए, ठीक है. चलो सारे लोग तैयार, तो एक रेडी लिखो और फिर हम सेशन की स्टार्ट करते हैं. लेकिन पहला क्वेश्चन आज आप लोगों को हम कराएंगे, ठीक है. आप लोगों का जो आज फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आप लोगों को हम करवाएंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे. समझ में आया? ओके, रेडी रेडी रेडी. देयर इज एन इको इन साउंड. चलो लेट्स डू वन थिंग. अब आप लोगों के लिए एक बार आप मुझे जरा बताना, इज इट बेटर, इज द साउंड बेटर नाउ, थोड़ा बेटर हुआ साउंड, प्लीज बता दीजिएगा एक यस लेके. नहीं पीके, हॉल में तो नहीं बैठे हैं, बट इस रूम में थोड़ा सा इको का इशू है, बट कांट हेल्प क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन भी इसी रूम में अच्छा आता है, इसी वजह से हम इसको छोड़ नहीं सकते. केलेन क्वीन इज हियर. केलेन, आई ऑलरेडी हैव चेक अ लॉट ऑफ टाइम्स. प्रणॉय अभी भी इको लग रहा है, ठीक है. अच्छा नहीं, हमें हॉल में नहीं है हम. अब थोड़ा बेटर अगर है तो एक यस लिख दीजिएगा, ठीक है. थोड़ा बेटर पहले से, आई एम श्योर कि साउंड पूरा नहीं ठीक होगा, बट अगर थोड़ा भी बेटर है तो लिख देना. पंकज चौहान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. हम बिल्कुल बढ़िया है, आई होप आप सारे लोग अच्छे हो. आयुष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. चलो अब क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है.
सबसे पहले तो डायरेक्शंस पढ़ लीजिए, मैथ्स का कॉलम है तो आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि एक कॉलम ए होगा, एक बी होगा, आपको तीन स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, यहाँ तीन, यहाँ आपको एक कोहेरेंट स्टेटमेंट बनाना है, राइट? ऋषभ, ऐश्वर्या, यागिनी, संपदा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आपको एक कोहेरेंट सेंटेंस को बनाना है ताकि वो मीनिंगफुल भी रहे और ग्रामेटिकली उसकी मीनिंग में कोई चेंज हम नहीं देखेंगे. नाउ क्योंकि यहाँ पर आप सारे लोग फर्स्ट टाइम हो तो पहला आंसर कोई नहीं करेगा. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीटली हम बताएंगे, आप लोग नहीं करेंगे खुद से, ठीक है? आप लोग सिर्फ सुनेंगे. जन्मांजी, सोनी, राजेश, संपदा, यागिनी, ऋषभ, क्या ये या यहाँ तक क्लियर है? अब सिर्फ सुनो, लिसन, जस्ट लिसन टू मी, देखो कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, फिर आप उस अप्रोच से इसको सॉल्व करना. पहला हम करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. अब चलो देखो, पहले तो ए है, आपको उसे कंपेयर करना है जी को, ई को और एफ को, और देखना है इज इट इवन मेकिंग सेंस. महेंद्र सिंह जी, प्रिया वर्मा, ध्यान दीजिएगा. आवर न्यू रिसर्च हैज यूज्ड डीएनए टू ट्रेस ह्यूमैनिटीज अर्लीएस्ट फुटस्टेप्स, ठीक है? देयर इज अ न्यू रिसर्च जिसकी बात हो रही है, has used DNA to trace humanity's earliest footsteps. मतलब कब से human civilization आया. Mitochondrial DNA is passed on only by the mother, ये नहीं mention है. In a prehistoric wetland called Mac Gadi Kwadi, Okwango, south of the Great Zambezi River, ये भी mention नहीं है. Unlike fossil evidence, most of which has been found in East Africa, ये भी mention नहीं है. इसका मतलब A आपका pair है ही नहीं किसी का. अब A जहां जाए उसको हटा दो, strike out, strike out, strike out. अब बचा BF, BD and CF, ठीक है? अब यही आपके options हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी option नहीं होगा. आगे बढ़ जाइए, ठीक है? A का कोई pair नहीं बना. अब आपको बनाना है B के pairs. Let's proceed again to the questions, ठीक है? अब B का pair देखा जाए. Unlike nuclear DNA, which is passed on by both mother and father, mitochondrial DNA is passed on only by mother. Okay, तो चलो B का हमने देखा DNA को pass किया जाता है both by mother and father. Mitochondrial लेकिन DNA ऐसा है which is passed only by the mother. मतलब B and D is actually making a pair. Fine, I got my first pair. Pair, is that clear? ये क्वेश्चन यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ, येस और नो ये बताइए. पहला पेयर क्लियर हो गया सभी को, समझ आया? यस, सुतापा का आंसर आ गया है, संपदा का आंसर आ गया है, बट आई विल कंप्लीट द क्वेश्चन, है ना? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. सरिंग विद अनुराग सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट जेनेटिक डेटा पॉइंट्स टू सदर्न अफ्रीका एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी. Unlike fossil evidence, now here we are talking about the genetic data which points to the southern, ठीक है, क्या लिखा है? To the southern Africa as a cradle of humanity in the prehistoric wetland. ये तो mention है नहीं, तो ये आपका नहीं बनेगा. Most of which has been found in East Africa, जिसमें से ज्यादातर कहाँ find out हुए हैं? East Africa में हुए हैं. तो yes, C और F आपका दूसरा पेयर है. Option में सिर्फ यही आपका answer हो सकता है और कोई answer नहीं हो सकता है, ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब बताओ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया? अप्रोच, इज द अप्रोच क्लियर? नाउ कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को पेयर्स बनाने हैं. इससे आप रीअरेंजमेंट भी सीख जाओगे, इससे आप रीअरेंजमेंट भी सीख जाओगे. जिन्हें रीअरेंजमेंट में डर लगता है, इसी तरीके से रीअरेंजमेंट में भी पेयर बनाया जाता है. अमित, यागिनी, किरण, वी वेंकटा, साई, राजेश, देन वी हैव मयंक, अभय, पंकज, पल्लवी. क्लियर है? तो एक बार एक यस लिख दीजिएगा. पसंद आया हो तो अभी लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करेंगे और फिर हर क्वेश्चन के साथ आप मुझे अपना स्कोर कार्ड बताते हुए चलोगे. इज ईच ऑफ यू रेडी फॉर द स्कोर कार्ड सेशन? लक्ष्मी टाटा, गुड इवनिंग. जन्मांजय, सोनू, क्लियर, पक्का? चलो अब क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं. पहला आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन से अब आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? ऋषभ वाज वेरी एक्साइटेड एंड वांटेड टू डू द क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट ऋषभ विद द सेशन नाउ, ठीक है? अब चलो, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. अब देखो यहां पर किरण आर्यन, हमने देखो एक बार थोड़ा सा पीछे चली जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आराम से पढ़िए. यू विल बी गिवन 40 सेकेंड्स. हम 40 सेकेंड्स तक कुछ नहीं बोलेंगे, आप रीड आउट करो.
मोबाइल को ऐसे टर्न करके फुल स्क्रीन कर दीजिए और आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। विवेक मिश्रा, इंग्लिश पुअर होने से आपका क्वालिफिकेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू कैन स्टिल क्वालिफाई, जस्ट बी रेगुलर इन द क्लासेस। सॉरी 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 सुदापा, नहीं करेंगे टच। रीड द क्वेश्चंस। स्नेहा तलासनी का आंसर आ गया है बी। इज व्हाट वाज दैट दैट इजी है, यू पीपल आर गिविंग आंसर्स जस्ट लाइक दिस, वेरी गुड। ओके लेट मी सी। मयंक, द बैच हैज स्टार्टेड जस्ट लाइक 3 to 4 days, तभी तो सारी चीजों का अप्रोच सिखाया जा रहा है। निशित, ओके। यागिनी, सुतापा, सॉरी ऑर्को प्रभा मुखर्जी का भी आंसर आ गया है। फ्लैश राइडर हैज गिवन द आंसर। साहिल वर्मा, प्रणॉय, फाइन, एवरीबडीज आंसर इज बी। नाउ लेट मी चेक इफ ऑल ऑफ यू आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, चलो देख लिया जाए। शुड आई प्रोसीड? या आई कैन सी आंसर इज कमिंग, वेरी गुड, राइट, फाइन, फाइन लक्ष्मी, फाइन ऋषभ। चल लेट मी सी। अर्थवर्म्स इनजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, फाइन, हेल्प मेंटेन सॉइल हेल्दी एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सो दिस इज अ कंप्लीट पेयर, ए एंड डी इज अ कंप्लीट पेयर, फाइन। अब ए भी गया, डी भी गया, अब इसका पेयर दोबारा नहीं बनेगा, लेट्स प्रोसीड। Thousands of maize growing farmers in Muzaffarpur and neighboring districts are worried. They are worried about something. So, about kahin pe hai? Yes, we got again. Worried about the latest attacks of a fall army worm. Brilliant. So, basically, the next section of yours is B and F. Theek hai, next kya bana aapka? B aur F ban gaya. Ek aur pair mil gaya. Adesh Titarmer. State Agriculture Director said that they have already taken measures and advised farmers to use insecticides on their maize crops. Brilliant again. So, C ke saath ka bhi pair aap logo ko mil chuka hai. Answer yahaan par ek hi question mein hai. Or that is B. Bang on correct answer, guys. Brilliantly done. क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा चलो चलो चलो, ठीक है मैम, टच नहीं करेंगे अपने फेस को, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। चलिए अब चलो देखो, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, यहाँ पे आप लोगों का आंसर बी हो जाएगा। जितने लोगों ने कहा है राइट आंसर है, अपना स्कोर मेंटेन करते चलना। इफ यू हैव लाइक गॉट द राइट आंसर, आपका स्कोर 1 हो गया होगा। महेंद्र सिंह जी, क्लियर हो गया? चलिए स्कोर बता दिया सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, छोटा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। प्रिया थॉमस, प्लीज एक बार आप रिफ्रेश कर लो। गुड इवनिंग विकास सिंह राजमोद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। संपदा ने कहा है आंसर बी, फाइन। संपदा एक बार फिर से पढ़ लेना, थोड़ा सा लेट हो विकास। और को प्रभा आंसर ए दे रहे हैं, अच्छा। लक्षित, फाइन, ओके ओके ओके। क्या इतना सारा पेयर बन भी रहा है? लेट मी सी। द प्राइम मिनिस्टर ट्राइड हिज बेस्ट टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग इन कंट्रोल, ऑफ बीइंग द फी, ऑफ बीइंग दो आई हैड अपोलॉजाइज, नहीं होगा तो ए एंड डी का पेयर बन गया, ठीक है, दैट इज फाइन, ए एंड डी इज डेफिनेटली मेकिंग पेयर, ऑफ बीइंग इन कंट्रोल। But the BBC revealed that the party president called all the shots. But the BBC ne kaha ki party president had called all the shots. Next. He said that he paid the fee the previous week. Theek hai, usne kaha ki he said that he paid the fee the previous week. So basically B and E is also making your pair. B and E ka pair bhi aap logo ka bilkul sahi hai. He just kept shouting at me even though I had apologized. Theek hai. अगर आप हिसाब से देखो तो हिसाब से तो सी और एफ का ही, जस्ट केप्ट शाउटिंग एट मी इवन दो
आई हैड अपोलोजाइज. अगर देखा जाए तो सी और एफ का भी पेयर सही सही बन रहा था, बट बिकॉज ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है इसके साथ तो हम इसको रिलेट नहीं कर सकते. ठीक है, हाँ जी किरण आर्यन, हम भी वही देख रहे हैं, बट बिकॉज ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे, आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे, है ना. तो आंसर इस क्वेश्चन का देखो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का नो, द आंसर शुड बी एक्चुअली बी. यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बी होगा, सी नहीं जाएगा. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बी. प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा. जितने लोगों ने इस दिया है उनका स्कोर क्या है बता दीजिएगा आउट ऑफ टू अभी तक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो. यहाँ पे भी आपको सेम चीज करनी है. ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड, 40 seconds स्टार्ट नाउ. बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा. फाइन संगीता, ठीक है कोई बात नहीं, कोई चेंज नहीं करेगा आंसर्स. ए भी तो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है ए, लेकिन हम उसमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढ रहे थे ना, वो छोटे पेयर्स बन रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, इसे उसको आंसर में कंडक्ट नहीं किया जाएगा. कोई बात नहीं अरिजीत, नो इश्यू, वेरी नाइस संपदा, वेरी नाइस. वी वेंकटा, प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस अगेन, एक बार पढ़ लो फिर से. साहिल वर्मा ने भी ई कहा है. भूमि पढ़ लो एक बार फिर से क्वेश्चन. लक्ष्मी प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन. संदीप्ता पढ़ो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सुतापा ब्रिलियंट, आपको आंसर मिल गया है. संगीता, स्नेहा को भी आंसर मिल गया है, ऋषभ को आंसर मिल गया है. चलो अब जरा देख लिया जाए आंसर क्या होगा. वेन परचेजिंग प्रॉपर्टी द कंपनी शुड शो अ रेशियो superior than the general increase of the population. अगर हिसाब से देखा जाए तो ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है ना. तो यहाँ पर ये आप लोगों का पेयर नहीं है, तो ए का कोई पेयर नहीं है, बेसिकली ए का कोई भी पेयर नहीं है. ए आपका यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था. Had I realized the importance of physical training, I would not have wasted my time in front of the television. अगर देखा जाए तो क्या बी और एफ अपना पेयर बना सकते हैं, क्या बी और एफ अपना पेयर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बी और एफ का पेयर बिल्कुल करेक्ट है. हैड आई रियलाइज, हमेशा याद रखिएगा द स्ट्रक्चर सेज कि अगर हैड से स्टार्ट होता है तो आपका वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा. हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वुड के साथ हमेशा किसका यूज होगा, सॉरी यहाँ पे वुड के साथ हमेशा किसका यूज होगा आपका, वुड हैव नॉट वेस्टेड. समझ में आया? तो आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बी और एफ का पेयर तो बन रहा है. नेक्स्ट देखते हैं. बट द नंबर ऑफ स्कॉलर्स हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड एंड अलाउ पॉसिबल फ्यूचर ग्रोथ. नो, आंसर इस क्वेश्चन का ई होगा. जितने लोगों ने कहा है आप सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी और कोई पेयर आप लोगों का नहीं बन रहा है. समझ में आया सभी को? अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मैम यस यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है, और बताना इंजॉयबल है कि नहीं सेशन. सेशन पता है जितना एंजॉय करोगे आप उतना ज्यादा सीखोगे, बिकॉज दिस इज समथिंग वेयर यू आर एवरी डे लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा आप लोग. यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2. व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? लक्ष्मी थोड़ी थोड़ी देर पे रिफ्रेश कर लेना बाबू, घर का नेट है ना. कीप ऑन शेयरिंग गाइस, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स दैट आई एम हियर. इससे ज्यादा तो तुम लोग ग्रुप पे बातें करते हो, 100 से ज्यादा तो ग्रुप पे बातें करते हो. सारे लोगों को बुला लीजिए. साहिल हैज गिवन द आंसर, इट इज बी साहिल. ओके, भूमि बी, बी वेंकटा बी, ठीक है. पीडीएफ मिलती है, बिल्कुल मिलती है. वंदना बी, अजय थॉमस बी, संगीता इज स्माइलिंग, मंजू प्रसाद इज सेइंग इट इज ए एंड डी. ओके मंजू, एक बार फिर से रीड करो, शायद कुछ और मिल जाए आपको. प्रिया कौर, ब्रिलियंट प्रिया, वेरी नाइस. अरिजीत दास, गुड गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट. नन ऑफ यू हैव गिवन द आंसर रॉन्ग. नाउ द गुड पार्ट इज कि अभी तक किसी का भी आंसर गलत नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं. चलो लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट. My advice to anyone who finds an unattended object on a bus. क्या लिखा होता है?
is to hand it over to the police. अगर आपको कोई भी संदिग्ध चीज मिलती है तो उसे किसे दे दीजिए, पुलिस को पकड़ा दीजिए, है ना? तो yes, A and D का pair है, पक्का done, इसमें कोई भी change नहीं होगा. इसके अलावा the Renaissance artists and thinkers had very few tools, pen and paper, paint and canvas, marble and chisel and few more of these and a few more of these basically. Yes, B and E का भी pair बन रहा है. That's again brilliant guys. You people did it very nice. ठीक है, next देखो. They applauded all his tricks at the end of the performance, begged him earnestly not to leave them. They applauded all his tricks, मतलब उसके सारे tricks को उन्होंने applaud किया. They actually cheered for all his tricks. And at the end of the performance, they begged him earnestly, please मत जाओ. तो फिर बिल्कुल सही है. C और F भी अपना pair अपना easily बना रहे हैं. तो yes, we have got all the answers correct. Brilliant session so far. You people are doing superbly great. ठीक है, तो चलो यहाँ का आंसर भी आप सबका बिल्कुल करेक्ट है. आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा. ठीक है, जितने लोगों ने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है. आगे बढ़ जाते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 4? अब बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? यू फील लाइक यू कैन डू इट? जिस दिन आप फील करने लगोगे ना कि नहीं भैया अब ये क्वेश्चन बन जाएगा जैसा भी आएगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द सेम इन एग्जाम्स. व्हाई वी आर अफ्रेड पता है? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते. और आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करवाएंगे कहां पर? हम करवाएंगे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस के साथ एवरी डे. नाउ एक बार इस क्वेश्चन को सारे लोग देख लीजिए, ठीक है, और मुझे बताओ इसका आंसर आपको क्या लगता है. यहाँ इजी कर दिया हमने, अब बस इसमें आपको क्रॉस बनाना है और बताना है कि आंसर क्या होगा. हाँ जी, ठोक लो एक दूसरे के लिए ताली. नॉट बैड, नॉट बैड एन अटेम्प्ट. कीप ऑन इंक्रीजिंग द व्यूज गाइस, कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन ज्वाइनिंग. और जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सेशन को जल्दी से ऐसे जाओ, लाइक करो, बगल में शेयर करो और वापस आ जाओ. He has an important job. Think, think, think. Let me see. Okay, fine. I've started getting answers. Rajesh, Riya, Sutapa, Sahil, Sampida, Amit, Priya, Triloki, V. Venkata, Taski, Nashwarya, Pankaj, Sahin. None of you are giving a wrong answer. That's brilliant. That is brilliant. Very good, Nishit. Vishal RD. Vishal RD ka answer thoda sa different aaya. Vishal keh raha hai, ma'am, answer D hoga. Vishal, ek baar fir se pad lijiye aap question ko and make sure that you're giving just the right answer. मयंक हम आपको बता देते हैं, वंदना ने भी सी कहा है, लक्ष्मी सी, मंजू प्रसाद सी, अरिजीत दास, सोनू प्रणॉय, रीना राय, किरण आर्यन. चलो अब जब सबका आंसर आ गया है तो लेट मी टेल यू द आंसर इस क्वेश्चन का सही है या गलत है. चलो, ही हैज एन इम्पोर्टेंट जॉब. हियर यू आर टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट. ही हैज एन इम्पोर्टेंट जॉब ऑफ मेकिंग श्योर दैट द कंपनीज बिजनेस स्टेज स्ट्रांग. सो यस, ए और ई का पेयर बनेगा. ए खत्म, ई खत्म, बी पे आ जाओ. He has an uncanny knack of being able to see immediately where the problem lies. मतलब उसको तुरंत झटके से problem दिख जाता है. समझ आया? हाँ जी. तो फिर B और D का pair भी अगर हम देखेंगे तो हमारा बिल्कुल properly बन रहा है. दो pair तो बन गए. आगे देख लेते हैं. She arranged a publicly stunt make the public aware. Not making sense. अजीब सा है ना? It is not even getting into the proportionate line. आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है. जितने लोगों ने कहा है सी, अपने लिए एक बार फिर से ठोक दीजिए ताली, क्योंकि आप लोगों का आंसर करेक्ट है. ए ई एंड बी जी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ब्रिलियंट ऋषभ, तीन चार बार लिया. वेरी वेरी गुड, यू डूइंग वेरी गुड. ऐश्वर्या, ब्रिलियंट. व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 5? नाउ यू नीड टू लेट मी नो, बिकॉज दिस इज हाउ यू विल ओनली अंडरस्टैंड योर प्रेपरेशन. बूस्ट इट अप, गो ग्रेड अप. चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना? आगे देख लेते हैं. नंबर 7 पढ़ो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है. रीड रीड रीड. भास्कर आनंद, हाय डियर, कैसे हो? पीडीएफ मिल जाएगी. मैं सेशन खत्म होने दो.
ओके आई हैव स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रागिनी का ए आया है. ए ए ए एवरीबडी इज गोइंग विथ ए. There is only one answer that I got. Sampada ka answer sahi hai, baki kisi ka answer bhi sahi nahi ja raha hai. Prashant Srimal, ek bhi maybe, acha, chalo. Keep on trying, question ka standard acha lag raha hai, toh jinhone bhi abhi tak, abhi jud rahi ho aur like nahi kiya, please like and share kar dijiyega. Most of the students still don't know, pata hai ki I am in this platform. Mahindra ji bhi keh rahe hai, B. Acha, chalo. Ek bar is question ko dekhte hai. Ensuring that girls are educated, theek hai, lower poverty, nahi. To improve नहीं, will set off various chain reaction. अगर आपको ये insurety हो जाती है that girls are educated, it will set off a virtuous chain reaction. अगर देखा जाए तो A और F का pair आपका लगभग जा रहा है, तो A और F आपका definitely एक pair तो है ना? Sorry, A और F आप लोगों का एक pair तो बन रहा है. Next देख लेते हैं. India has added up to lower poverty नहीं, has added up to 2 नहीं. तो B का pair कुछ नहीं होगा, B हटा दो, B जहाँ जाए हटा दो. Many families lower poverty in long run, ये भी कोई sense नहीं है. क्यों families lower करेंगी, कुछ confirm थोड़ी ना है. Answer इस question का सिर्फ और सिर्फ E होगा, जितने लोगों ने कहा है बिल्कुल correct answer है. बाकी pair नहीं बन रहा, ठीक है, बाकी pair बनी नहीं. Yes Rishabh, yes Bhumi, अब समझ में आया pair क्यों नहीं बना. Sumit Kumar Jha is also here, ठीक है. Good evening Deeksha, Deeksha, hi. चलो अब देख लो, इसको नॉट द हाई वाला हाई, द हाई वाला हाई, ठीक है. चलो प्रशांत क्लियर है सो फार. चलो आउट ऑफ 6 आप लोगों का अभी स्कोर अब बता देना हमें. बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और कोई पेयर देखो यार बन नहीं रहा था, ठीक है. अगस्त्य क्लियर है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. रीड रीड रीड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. बीडी कहां बन रहा है अमित, नहीं बन रहा बीजी, अलग सा है, इनकम्प्लीट सा था बीजी. कोई बात नहीं, आगे नहीं, गलत होगा तभी तो सीखेंगे हम लोग, नहीं तो सीखेंगे क्यों. ओके चलो 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 Sneha, fine, fine, fine. Let me see. Shwarya, sabka answers aana start ho gaya. Age ka majority answer sabka B ja raha hai, which is A and E ka pair. You people have reached 65 plus today. Thank you so much. Thank you guys, thank you. Keep on joining, keep on sharing. Chalo. Should I read now? चल सारे लोगों ने try कर लिया, अब हम भी try कर लेते हैं. The Delhi government has deployed. Deploy का मतलब क्या होता है? Deploy करने का मतलब होता है लोगों को आजाद छोड़ देना. जैसे कि पुलिस, याद है जब आर्टिकल 370 का रिवोकेशन हुआ था तो 10,000 soldiers were deployed, है ना, मतलब वहां पे उन लोगों को छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहां पे पेट्रोलिंग कर सके. The Delhi government has deployed marshals in buses, मतलब जो marshals हैं वो buses में travel कर रहे हैं, ठीक है, टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री. तो दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री. टू इंश्योर विमेन सेफ्टी अगर देखा जाए तो ये क्या मेक सेंस कर रहा है, ठीक है, इज इट इवन मेकिंग सेंस. तो अगर देखा जाएगा तो ए और ई का पेयर बिल्कुल करेक्ट है. यस दे हैव मार्शल्स इसलिए है ताकि वो विमेन्स को सेफ्टी दे सके. सो यस ए और ई का पेयर तो बन रहा है. द डिसीजन हैज वेलकम्ड अ डिबेट ऑन टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, नहीं. टू इम्प्लीमेंट इट एट प्रेजेंट, नहीं. The initiative promises to rationalize, to make, नहीं. यहाँ पे भी ये नहीं आएगा. To do what, ये अभी तक clear नहीं हो पा रहा है. बाकी कोई pair नहीं बन रहा था. जी हाँ प्रणोय, आप बिल्कुल correct हो. Answer इस question का B हो जाएगा. जितने लोगों ने कहा है बिल्कुल correct answer है. Thank you so much for making this session such a brilliant session today, guys. Next question ये रहा. Match the column में आप सारे लोगों का ऐसा performance was not expected. Brilliant. चलो next question 9 देखो और बताओ इसका पेयर क्या बनेगा. Now this question was asked in December 8, 2018 का पेपर.
संदीप्ता ने जी दिया है आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर संदीप्ता को जी लगता है, अजय थॉमस जी लगता है, प्रशांत को भी जी लग रहा है, त्रिलोकी, भास्कर, आयुष 4. ओके, दैट मीन्स इवन यू फील इट इज जी. राजेश जी, ठीक है, दीक्षा जी, ऐश्वर्य पानी, अरविंद सिंह जी को भी जी लग रहा है, गौतम को जी, स्नेहा को भी जी, चलो चलो, पंकज चौहान जी, लोसतापा, लक्ष्मी चाचर, एवरी वन इज गिविंग द सेम आंसर्स, एंड इफ द एंटायर टीम फील्स सो, मेंटर को क्यों नहीं लगेगा. यस, आंसर आप लोगों का बिल्कुल डी होगा. लेट्स रीड आउट, लेकिन हम रीड करेंगे, ठीक है, हम लोग सब लोग एक दूसरे को पढ़ाएंगे. मंजू प्रसाद आपका आंसर सही, अगस्त्य थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है. देखो, देयर सीम्स टू बी नो ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ रोनाल्डो आफ्टर वर्ल्ड कप. सो बेसिकली ए और एफ इज डेफिनेटली अ पेयर, इसमें कोई भी दो राय नहीं था. आगे देख लेते हैं, द हेट्रेड दैट बोथ कंट्रीज हैव फॉर ईच अदर सीम्स टू हैव एम्पलीफाइड आफ्टर द रीसेंट इंसिडेंट. मतलब वो ज्यादा बढ़ गया, एम्पलीफाइड मतलब वो ज्यादा तेज हो गया है. तो यस, बी और डी का भी पेयर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट जा रहा है. यार तुम लोग इंजॉय कर रहे हो सेशन, ये अच्छी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, has been amplified, तो चलो ये भी सही है. In his salad days, my grandfather was have been, ना ये तो नहीं होगा. तो बेसिकली दो ही तो पेयर बने आप लोगों के. कौन सा आंसर यहाँ पे सही है? The answer is going definitely BD. जितने लोगों ने कहा है सही आंसर है आप सभी लोगों का. प्लीज अपना स्कोर बता दीजिए. What is your score till now out of 8? Because एक question तो मैंने किया था, so I will definitely not go with it. Yes, Rishabh. Yes, yes, yes. Is that clear, Venkata? Rishabh, clear? Amit, Abhay, Shrivastav, सबके answers आना start हो गए हैं. Brilliant again. Guys, go for question number 10. There are 3 to 4 more questions left and I know you people can score the best today. Give your best. Give your best. There should not be any stopping. और जितनों ने अभी तक like and share नहीं करा है, चलो चुपचाप आओ, ऊपर आओ, हाथ ले जाओ, like करो और सारे ग्रुप से कम अपने फ्रेंड्स को तो बता ही सकते हो ना कि यशी मैम यहाँ पढ़ा रही हैं. कोई बात नहीं भूमि, तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा है. अमित, वेरी गुड स्कोर. थैंक यू त्रिलोकी, थैंक यू सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट. तुम लोग मुझे हमेशा जो दिखाते हो यार, थैंक यू. यू पीपल हैव मेड माई लाइफ पता है इनकम्प्लीट विदाउट ऑल ऑफ यू. ऐश्वर्या, सुतापा, संगीता, गुड. चलो लेट्स सी द क्वेश्चन. आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पता नहीं, हम क्यों इमोशनल हो गए. चलो, बोथ कंपनीज वेयर टारगेटिंग फ्रॉम नई स्टूडेंट्स from college who were in their early 20s. Both companies were targeting students from college who were in their early 20s. Yes, A or E ka pair bilkul correct hai, hai na? This is just the right pair. Next question dekh lete hain. My uncle had a dog who in the attempt to attack enemy forces nahi. Strategic missiles represents a logic step at the attempt nahi. So answer is question ka sirf A or E hoga jitne logo ne kaha hai. ठीक है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है. इसका आंसर और कुछ बन ही नहीं सकता था. सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दोज़ हू हैव सेड हैव जस्ट गिवन द राइट आंसर. सो ब्रिलियंट दीक्षा, हम इतने टाइम से कहां थे, हम तो यहीं पे थे, आप कहां थे. ठीक है, चलो यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया. भाग्यश्री का भी सब कुछ क्लियर हो गया. प्रिया वर्मा, मयंक, ब्रिलियंट स्कोर यार, गुड गुड जॉब. ये एग्जाम में करके आई हो, नहीं तो बहुत कुटाई होगा. अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो और बताओ आपको इसका आंसर क्या लगता है. दिस इज 1, दिस इज 2, टेल मी द आंसर. क्वार्टर चाइल्ड क्लास, अमितेश. अच्छा, कीप ऑन शेयरिंग गाइस, कीप ऑन शेयरिंग. कोई बात नहीं नरेंद्र मीना, थैंक यू सो मच. ऋषभ, द स्टेटमेंट मेड माय डे. साहिल, गुड. चलो 11 के आंसर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं.
मंजु प्रसाद, अरिजीत दास, वी वेंकटा, संपदा, याकिनी, अजय थॉमस, स्नेहा तलासनी, गौतम, देयर इज अनदर न्यू कैंडिडेट हियर, हाय गौतम, हाय वंदना एस्थर, रिया बानिक इज अ न्यू कैंडिडेट आई कैन सी. इफ यू कैन फील यू वांट टू गिव आंसर्स, डू गिव योर आंसर्स, बी एज इंटरैक्टिव एज दीज स्टूडेंट्स आर. इतने इंटरैक्टिव बनो आप पक्का 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 क्वालिफाई कर जाओगे. हर एक बच्चा यहाँ पर जितना भी है सब प्री क्वालिफाई करने का दम रखता है. गौतम हाय. चल आंसर्स आना स्टार्ट हो गया. लेट्स सी इसका पेयर क्या बनेगा. मार्केट रिसर्च हैज शोन अस दैट. मार्केट रिसर्च ने हमें क्या दिखाया है, दैट सप्लाइड ऑफ क्वालिटी टीचर्स इनकम्प्लीट. पीपल आर लॉयल टू द ब्रांड नॉट प्राइजेस. यस 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 डेफिनेटली अ पेयर. बिल्कुल पेयर है ये हमारा, है ना, कि पीपल जो है वो ब्रांड की तरफ लॉयल है ना कि प्राइजेस. द गवर्नमेंट हैज सप्लाइड ऑफ क्वालिटी टीचर्स नहीं. द गवर्नमेंट हैज रिफॉर्म्स नहीं. डिमांड हैज आउटस्ट्राइप सप्लाइड ऑफ नहीं. रिफॉर्म्स आर एंटायर टैक्स सिस्टम नहीं. तो आंसर इस क्वेश्चन का ए और ई होगा. जितने लोगों ने कहा है बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है आप लोगों का. द आंसर इज ओनली गोइंग टू बी सी, नो अदर पेयर. और कोई पेयर आप लोगों का बन ही नहीं सकता था बिकॉज और कोई पेयर बनने के लायक ही नहीं था. समझ में आया. आई होप आप लोगों को यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल 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 क्लियर हो गया होगा. वेरी गुड. जो जिनको क्लियर हो गया वो कह रहे हो गॉड थैंक गॉड राइट हो गया. यू पीपल आर डूइंग ईदर वे गुड. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बताओ ये आप लोगों का सेशन का क्वेश्चन है 12. व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 11 आउट ऑफ 10 अभी तक, बिकॉज ये 11th क्वेश्चन. आप हमें 11th का स्कोर बताओगे. ठीक है रीड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. गिव योर बेस्ट. Yes, Vikas, the last session, the last question. Give your best, give your best. एकदम उड़ा देना क्वेश्चन को तुम लोग. और करने का मन था क्या? और करने का मन है तो बताओ. कल से तुम लोगों के लिए क्वेश्चंस बना देंगे. दीक्षा एक बार रिफ्रेश कर लो, ब्लड हट जाएगा. राजेश, शानी, शानी जी इज ऑल्सो संपदा, किरण, पल्लवी, रिया, चलो भूमि, सब बी सब बी सब बी. जब सारे लोग बी कह रहे हो तो शुड आई जस्ट गो बियॉन्ड दैट? नो, चलो देख लिया जाए. द रूमर्स ऑफ पेट्रोल इज हाईली रेजिलियंट, नहीं. शॉर्टेज टर्न आउट टू बी फॉल्स, येस. पेट्रोल के शॉर्टेज का रूमर ही तो है, तो शॉर्टेज इट टर्न आउट टू बी फॉल्स. रूमर कैन बी फॉल्स, येस. ए और ई का पेयर बिल्कुल बन रहा है. जितने लोगों ने कहा है सही है. द बॉडी ऑफ द कैमरा मेक मेक वॉच मेक वॉच मेक इट मेक इज नहीं मेक इम्पैक्टेड नहीं. तो बी का पेयर तो कहीं नहीं बन रहा. बी हट जाएगा, बी हट जाएगा, बी हट जाएगा. नेक्स्ट क्या बचा, सी और एफ. The threat of war has adversely impacted burns as actively. नहीं, ये तो एकदम inappropriate है. सेंटेंस में कहीं पे इसका सर पैर भी नहीं है. आंसर इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ बी होगा. टेल मी डिड यू पीपल enjoyed the session? Did you people enjoyed it? कल सुबह 7 बजे आना है. ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कल सुबह यशी मैम कितने बजे मिलेंगी, 7 बजे. कहाँ पे मिलेंगी, एडिटोरियल में. तो जितनी भूली भटकी आत्माओं को नहीं पता था प्लीज बताकर सीधे सीधे कहाँ ले आओगे, एडिटोरियल सेशन में, टू मेक इट ग्रैंड जस्ट लाइक वी यूज टू डू. अच्छा आज अभी तक एडिटोरियल में किसी का भी मोटिवेशनल कोट नहीं आया है. निवृत्ता का आया है सर, तो हम निवृत्ता का कोट लगा देंगे अभी से बता देते हैं. ठीक है, रेस्ट ऑफ यू कैन डेफिनेटली गिव मी योर सजेशंस. व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सेशन? दोज हु हैव स्टिल नॉट गिवन अ लाइक थंब और प्रेस द लाइक्स, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन. अगर आपको मेरे एफर्ट्स कहीं से भी लगते कि नहीं यशी मैम ठीक ठाक पढ़ाती हैं. ठीक है चल आगे बढ़ जाते हैं. As usual, before I end up the session, I just want to thank all of you. Thank you for making and the Gradeup platform pe mujhe itna love and support dene ke liye. Aishwarya editorial isi platform pe hota hai, early morning 7 a.m. and the editorial session is definitely live during the morning. Theek hai? So you can be, I know Amit sir, Ankit sir, I understand. Thank you, Sampita. Thank you, Bhumi. Hope you people have enjoyed the session. Do like and share the session as much as possible. Kal fir milenge aise hi another important session ke saath. But kal sabse important hoga fir se hamara editorial. To editorial mein zarur jodna taki aap log apna best de pao. Theek hai? Great day. Have a great day, guys. Keep on enjoying, keep on living, keep on smiling. Stay safe, stay home.